सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफर अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं कैलकुलेशन के रिलेटेड बात करूँगा कि हमारे पास क्रब स्टोन है और हमने इसके एक्सक्यूवेशन करना है, तो वो हम किस हिसाब से करते हैं, इसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सक्यूवेशन लेवल जो हमारे पास इस पर ड्राइंग में डिटेल गिवन होता है, तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेक्शन है और इस सेक्शन में हमारे पास जो क्रब स्टोन है इसकी हाइट 1 फीट है और ये FRL से 6 इंच अप है, यानी इसका टॉप FRL से 6 इंच अप है 15 सेंटी, और हमारे पास जो स्टेज 2 है स्टेज 2 से ये 8 इंच अप है, यानी बाइंडर कोर्स है, और नीचे हमारे पास इसका 1 इंच मोटर है और नीचे हमारे पास 4 इंच बेसिस ही है। तो इस हिसाब से अभी हमने कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल गिवन है और हमारे पास ये यहाँ पे RD है जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल चेंज होता है और यहाँ पर हमारे पास सेंटर के FRL है। अभी ये FRL भी हमारे पास गिवन है और हमारे पास सेक्शन भी गिवन है, तो हमने कैसे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 इंच PCC है, 4 इंच हमारे पास PCC है और 1 इंच हमारे पास मोटर है, और इसके साथ हमारा जो कर्व स्टोन है FRL से नीचे 6 इंच यानी 6 इंच हमारे पास FRL से नीचे आना है, तो कुल मिला के हमारे पास ये टोटल बनता है 11 इंच। तो अभी 11 इंच क्योंकि हमारा यहाँ पे जो काम हो रहा है ये मीटर में और यहाँ पे जो डिटेल दिया गया है ये इंचेस में दिया गया है, तो डियर फ्रेंड हमारे पास जो 1 इंच इक्वल है 0.0254, मैंने मल्टीप्लाई करना है 11 इंच के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 0.279। अभी हर RD के FRL से हमने इसको माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक्सक्यूवेशन के लेवल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ RD, यहाँ पे मैंने एक्सक्यूवेशन लिखना है, सपोज़ मैंने 0.00 RD के लेवल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में RD में देना है कि ये हमारे पास 0.00 RD है और इसका जो एक्सक्यूवेशन लेवल है फॉर कर्व स्टोन, तो यहाँ पे हमारे पास FRL है 125.794 और इसे मैंने माइनस करना है 0.279, तो यहाँ पे 125.515 ये हमारे पास एक्सक्यूवेशन लेवल है। तो डियर फ्रेंड, हम इसी तरीके से एक्सक्यूवेशन लेवल कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।